रिपोर्ट टीडी न्यूज। सदियों से भारतीय हस्तशिल्प की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है, जिन्हें कारीगरों की पीढ़ियों के माध्यम से संरक्षित और सिद्ध किया जाता है। भारत के हस्तशिल्प विविध कच्चे माल और डिजाइन के ढेरों में रचनात्मक अभिव्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हस्तकला के विकास और प्रचार के लिए 55वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2023 संस्करण का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय राज्य कपड़ा मंत्री दर्शन जरदोश ने किया। 5 दिवसीय मेले में 3,000 से अधिक निर्माताओं और निर्यातक अपने उत्पादों के व्यापक संग्रह को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हुए। G20 समिट के आयोजन के हम होस्ट हैं और पूरी दुनिया की नजर जब हमारे ऊपर है, और जहां प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन फ्यूचर, और हम लोग को एक साथ लेके आगे चलना है एक परिवार की तरह। लीडरशिप में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न बहुत अच्छे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी प्रोग्राम हुए, तो इसमें सबसे ज्यादा जब महिला जो राष्ट्र की सशक्त होगी तो वो पूरे परिवार के साथ में उनको आगे लेके जाएगी। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स को अपना प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने का जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ रियली अप्लॉडेबल। लोग, हुनर तो होता है, लोगों के अंदर अच्छा डिज़ाइन बना के लाए, अच्छा प्रोडक्ट लाए, लेकिन उसके लिए अगर प्रॉपर मार्केट नहीं है। अब की भारत सरकार ने भी यूनिटी माल का कॉन्सेप्ट दिया है। भारत सरकार यूनिटी माल बनवाएगी, उसने बजट में प्रोविजन किया है। तो ये अपने आप में जो डिस्प्ले करने का एक बहुत अच्छा यहाँ पर माध्यम है। लॉस एंजल्स के पूर्व